गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल में टिप्स सो गाइज आज आपके लिए लेकर आए हैं पोलिबियन एक्टिव सिरप बच्चों में भूख नहीं लगा करती है और बड़ों में भी भूख नहीं लगा करती है तो भूख ना लगने के कारण आपको क्या प्रॉब्लम होती है गाइज पता ही होगा आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है आपको कमजोरी लगना आपको वीकनेस लगना आपको थकान लगना आपको ऐसा लगता है ना जैसे कितने लंबे समय से आपने खाना नहीं खाया है और आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है और सुस्तीपन लगना आलस लगना तो ये सब कंडीशनें देखने को मिला करती हैं तो इन्हीं सब कंडीशन में पोलिमैन एक्टिव सिरप का यूज़ किया जाता है तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे आज अच्छे से समझाएंगे आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इसके यूजेस एंड बेनिफिट एंड साइड इफ़ेक्ट तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके आप उस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि फ्रेंड सकते हैं मेरे हाथ में जो सिरप दिया गया है पोलिबान एक्टिव नाम से आता है ये सिक्सटी एम के पैक में दिया गया मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ काफ़ी स्मॉल सा सिरप है ये मेरे पास सिरप आ हुआ था फ्रेंड कंपनी की तरफ से आ हुआ था ये जो एम आते हैं वो इसके लिए लेकर आए थे कि सर आप इसको यूज़ कराइए बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है आप इसका तो मैंने क्यों ना सोचा कि अपने व्यूबर्स के लिए मतलब कमेंट्स वगैरह करते हैं सर हमें कमज़ोरी लगती है थकान लगती है तो आप उसके बारे में कुछ ऐसा बताइए ताकि कमज़ोरी थकान ना लगे और बॉडी में एनर्जी रहे तो मेरे दिमाग में आया मैंने कि पोलिवियन एक्टिव पर वीडियो बनाई जाए तो गाइज ये सिरप को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए तो जान लेते हैं सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में इसके क्या साल्ट से इसको बनाया गया ये देख सकते हैं आप इसमें दिया गया है विटामिन वी कम्प्लेक्स विद लेस दो साल्ट से इस सिरप को बनाया गया है गाइज इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन डाले गए हैं जैसे कि विटामिन बी वन बी थ्री बी टू बी सिक्स बी ट्वेल्व इन सारे विटामिन से इस पोलिबान एक्टिव को कंप्लीट करा गया है और सबसे खास बात क्या है इसके अंदर ये शुगर फ्री है मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना गाइस तो उनको भी आप इसका यूज़ करा सकते हैं तो इसलिए शुगर फ्री वाला ये सिरप है और इसका जो फ्लेवर है ना ये मैंगो फ्लेवर है ये बच्चे बहुत ईजिली आपको पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आसानी से सिरप को यूज़ कर लेंगे और एक बार पियेंगे तो दोबारा मांगेंगे इस सिरप को क्योंकि इतना अच्छा सिरप है ये अब जान लेते हैं गाय इसके यूज़ इसको कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है ये सिरप जो है नॉर्मली जो जनरल वीकनेस हो जाती है वीकनेस का होती है हम जब खाना खाते हैं या खाने खाने के समय हमको भूख नहीं लग पाती है और भूख नहीं लगती है तो सही तरीके से हम खाना नहीं खा पाते हैं तो उस टाइम क्या होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है शरीर में और आने के कारण बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा हाथ पर में ऐठन सी होती है पटकन सी पड़ती है ऐसा लगता है ऐसे कितनी ज़्यादा मेहनत कर ली हमने थकान कर ली तो ये कब हुआ करता है जब बॉडी में विटामिनस की कमी हो जाती है विटामिन की कमी होने के इन सब कंडीशनों का सामना करना पड़ता है तो इन्हीं सब बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इस सिरप को लेकर आए हम पोलिवियन एक्टिव बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसका और बहुत ही अच्छा काम करता है ये आपकी बॉडी में किसी तरह की कमज़ोरी हो आपको भूख ना लगती हो आप खाना तरीके से खा नहीं पाते हो आपका जो ह्यूमिनिटी बूस्टर होता है जो आपका ह्यूमिनिटी सिस्टम है वो बिगड़ चुका है उसमें सही तरीके से खाना पचाने की ताकत नहीं है और सही तरीके से आपको खाने को सही तरीके से आप जॉब नहीं कर पा रहा है खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो उन कंडीशन में भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है और जिन लोगों को लंबे समय से मतलब कोई मल्टीविटामस टैबलेट वगैरह ले रहे हैं उनसे आपको उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उसको छोड़कर आप पोलिबियन एक्टिव सिरप का यूज़ करेंगे और देखेंगे बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा ये सीरप है गाइस ये जो बॉडी में ब्लड होता है जो ब्लड में आर सेल्स होते हैं तो वो कम हो जाते हैं तो उनको पूरा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और जिन लोगों को नॉर्मली वीकनेस रहती है जिनका बीपी लंबे समय से लो रहता है ब्लड प्रेशर लो रहने के कारण उनको कमज़ोरी बार बार सुस्ती लगना चक्कर आना हाथ पैरों में कमज़ोरी सी लगना झंझनाट होना खून का दौड़ान ना होना सही तरीके से खून का दौड़ान चल नहीं पाना हाथ पैरों में सुनपन रहना और ज़रा सा काम करने पर थकान होना और सांस फूलना चक्कर से आना तो इन्हीं सब कंडीशन में सिरप का यूज़ किया जाता है गाइस तो देखा आपने इतने सारे इसके बेनिफिट थे अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस सिरप को लेंगे आप अगर ओवर डोज लेंगे तभी आपको साइड इफेक्ट कॉजली देखने को मिलेंगे अगर आप इसकी नॉर्मल डोज लेंगे जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ आपको तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे गाइस जैसे कि आप सिरप को ले रहे हैं आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी में ईचिंग हो सकती है लूज मोशन से हो सकती है, ट्रेसिस हो सकती है और बॉडी में थोड़ी घबराहट सी हो सकती है और थोड़ी डिजनिस सी हो सकती है ऐसे कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं गाइज़ तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और आप उसको बताएं जाके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है इस कंडीशन में हो रही है तो इस सिरप को आप इस्तेमाल ना करें ठीक है तो अब जान लेते हैं इसकी डोज़ इसकी डोज़ क्या है इसकी डोज़ है ये बच्चों के लिए बताता हूँ मैं एक साल से जो ऊपर का बच्चा होता है एक साल से लेकर कर दस साल तक का बच्चे को आप नॉर्मली यूज़ करा सकते हैं उसको फाइव एम सुबह फाइव एम शाम सुबह शाम यूज़ करा सकते हैं और एडल्ट में डोज़ की बात करते हैं जो एडल्ट होते हैं अठारह साल के ऊपर के लोग होते हैं तो उनको इस सिरप लेना है दस एम से ले कर फिफ्टीन तक दिन में दो बार लेना है दस एम से लेके पंद्रह एम तक दिन में दो बार लेना होता है तो आप दिन में तीन बार ले सकते हैं टेन टेन एम एल इसको दिन में तीन बार ले सकते हैं ये तो है इसकी नॉर्मल डोज और इस सिरप को आप एक महीने तक रेगुलर पियेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है जिस कंडीशन में आपको ये हो रही है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी सो so गाइस ये जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं आप कहेंगे इतना स्मॉल सा सिरप डॉक्टर साहब ले आएँ ये सिरप स्मॉल सा इसलिए क्योंकि ये सैंपल का सिरप है ये जो सिरप है सैंपल का सिरप है सिक्सटी एम की बोतल में आता है लेकिन जो आपको लेना है आपको लेना है हंड्रेड एम की बोतल में आपको लेना है दो सौ पचास एम की जो बोतल आती है या चार सौ एम की बोतल में आता है तो वो वाले आपको सिरप ना ये नहीं लेना है तो आपको बहुत ही जल्दी आपको खत्म हो जाएगा लेकिन अगर ये आपको लेना है तो छोटे वाले जो बेबी होते हैं बेबी के लिए आप एक सावधानियाँ बता दूँ आपको इसको लेने से क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतना चाहिए जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको आपको सिरप पिला दिया उन्हें तो उनको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये मैंगो फ्लेवर का है टेस्ट उनको इसलिए पसंद आएगा तो अगर एक बार में वो ज़्यादा से ओवर डोज ले सकते हैं और पी सकते हैं तो उनको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों से इसको दूर रखें और बच्चों को जितना पिलाएं बच्चों को उतना ही पिलाएं जितना हमने आपको इस वीडियो में बताया है उससे ज़्यादा ओवर डोज आप बच्चे को ना दें अगर बड़ा पी लेगा तो एक दफ़े को उसको झेलने की ताकत होगी बॉडी में बच्चा नहीं झेल पाता है ना तो इसलिए आप ये चीज़ आप गलती ना करें बच्चों से सिरप को बचा के रखें आई होप आपको पोलिवियन एक्टिव सिरप के बारे में वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी गाइज़ हमने आपको समझा दिया उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो और आप ऐसी और भी अंग्रेजी दवाइयों की जानकारी जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर दवाइयों की जानकारी आती रहती है और ऐसे ही आपको फ्री में एडवाइस मिलती रहती है कोई चार्ज नहीं लेते हैं दवाइयों की जानकारी का कोई चार्ज नहीं लेते हैं ठीक है गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय